चलते हैं यहाँ पर हम लोग कि क्या कंडीशन होनी चाहिए बिजनेस होने के लिए। तो हेडिंग लिखा हमने यहां पर कंडीशन ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। चलो लिखते हैं कंडीशन ऑफ रेजिडेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, रेजिडेंस होने के लिए सर हमारे पास ओवरलैपिंग ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिससे ओवरलैपिंग पॉसिबल हो रही होगी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स, विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड, जिससे कि क्या बन सके सर, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके, टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ओवरलैपिंग का मतलब, जैसे हम लोग ये तो केमिकल बॉन्डिंग में सीखते और समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि किसी कार्बन के पास अगर हमारे पास जैसे ये कार्बन है, इसके पास इस तरीके से हम डिनोट कर दे रहे हैं, ये है, ठीक है, और ये कार्बन बनाया हुआ हमने, और ये कोई ग्रुप है जी, इसको हमने बोल दिया। अब यहाँ डिनोट करें तो सर अगर हमने ये मान लिया कि इस कार्बन के पास इस तरीके से, या ऐसे दिखा दे रहे हैं कि इस कार्बन के पास यहाँ पे बना के ये इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इस तरीके से ऑर्बिटल में, ठीक है। अब इसका ओवरलैपिंग होना चाहिए यहाँ पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ इस तरीके से, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होते हैं, ऑर्बिटल में क्या होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ओवरलैपिंग अगर जैसे ये है, ये इन इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या होना चाहिए सर, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के थ्रू पॉसिबिलिटी क्या बननी चाहिए सर, इस तरीके से ओवरलैपिंग के थ्रू पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए हमारे पास, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की। कैसे, अब देखो यहां सिर्फ ये ऑर्बिटल नहीं है, या इस तरीके से दिखाएं, इस कार्बन का भी सर एक ऑर्बिटल है, ये है। अब इस ऑर्बिटल में भी क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है। कंडीशन शुरू कहां से होती है रेजोनेंस की, ध्यान से देखना, हम एक समझाने के लिए बता दें, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने यहां पे डिनोट किया हुआ है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं सर, शिफ्ट हो रहे होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर, शिफ्ट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं हम लोग, ये वाले, ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, है ना। तो यहां रेजोनेंस कंडीशन होती कैसे है, ओवरलैप करेंगे कौन कौन, तो सर ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग कर जाते हैं, बट करेंगे कि क्योंकि खाली तो है नहीं, तो खाली करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब आप कहो कैसे खाली होते हैं, तो रेजोनेंस के थ्रू सर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाते हैं, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो ये पाई बॉन्ड यहां टूटता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होते हैं। अब इस कार्बन के पास अगर आप देखोगे, अब इस तरीके से हम आपको दिखाएं ये, ठीक है, अब इस कार्बन के पास देखोगे सर क्या क्रिएट हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है, यहां तो था जो था, अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गए, यहां पे ये मौजूद इलेक्ट्रॉन है, अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में आसानी से क्या हो जाते हैं सर, ओवरलैपिंग कर जाएंगे एक दूसरे से, ये जो ओवरलैपिंग दिखा रहे थे, और ओवरलैपिंग करने के बाद अब कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, है ना, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखाई दे रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो गया यहाँ, और ये पाई बॉन्ड का यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो उस पर क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव। तो देखो यहां हुआ क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और उस ओवरलैपिंग का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होने के बाद क्या बना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, आफ्टर ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यही पॉसिबिलिटी ये दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड।